गुड मॉर्निंग गाइस, मैं अभी उठी हूँ। मैं बेडरूम से अभी हॉल में आई हूँ और मुझे है ना, अरे बाप रे, कितना बज गया, 8:20 हो गया। मुझे फटाफट शॉपिंग करने जाना है। शॉपिंग मतलब कि सब्जी की शॉपिंग, क्योंकि सब्जियाँ खा लेती हूँ, घर में किसके लिए बचती नहीं है। तो गाइस, मैं थोड़ा सा फटाफट फ्रेश होकर आपको मिलती हूँ, फिर मुझे शॉपिंग जाना है, सब्जी मार्केट जाना है, नज़ारा दिखाना है। अभी मैंने मेरा पानी लिया है गर्म, लू वॉर्म वाटर प्लेन, उसको मैं अभी बैठ के पीती हूँ। फटाफट मैं अपना स्किन रूटीन करती हूँ, आप दूसरे मेरे वीडियोज में देख सकते हो, मैं लिंक डाल दूंगी। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि कौन से प्रोडक्ट से मेरा ग्रोथ क्यों आता है। उठ गए आप सब? उठ के फटाफट काम पे लग जाइए, यही लाइफ होती है। वीडियो बनाओ, शॉपिंग करो। अभी मैं फटाफट रेडी होती हूँ मार्केट जाने के लिए, कपड़े चेंज करती हूँ। तो मेरा नाइट ड्रेस है, तो मैं नहीं थी आपको थोड़ी देर में फटाफट मैं पहन लेती हूँ, क्योंकि इसके ऊपर मैं जैकेट भी पहनूंगी। बाहर थोड़ा सा बारिश आ रही है, तो फटाफट रेडी होती हूँ। मैं रेडी हो गई हूँ, बाल बनाती हूँ थोड़ा सा, छुट्टी मेरी बिखर गई है। ये खोलना ना, खोलने के बाद इसके जो वेव्स आते हैं ना, बहुत बेकार लगता है, वो बहुत ही गंदा लगता है। बट कोई बात नहीं, अभी मैं छुट्टी बनाने का टाइम नहीं है मेरे पास, तो इसको फटाफट से खोल दिया मैंने। आई थिंक हाई टोन ही अच्छा लगेगा अभी। मेरे वॉल्यूम बहुत अच्छा है मेरे बालों का। अभी आई थी थोड़ा सा सनस्क्रीन, थोड़ा सा काजल लगा। सनस्क्रीन काजल लगा लेती हूँ। थोड़ा सा सनस्क्रीन लूंगी, लोटस का है, फाइटोआरएक्स, बहुत पसंद है। मम्मी मुझे बोल रही है कि नीचे से दूध लेके आओ, तो मैं निकल गई, फटाफट जा रही हूँ दूध लेने। क्योंकि अभी ये मेरा रेफ्यूज एरिया का लोकेशन है, आपने मेरे पहले बारिश वाले वीडियो में देखा होगा। और ये मेरा कॉरिडोर है, अभी डस्टबिन वाला आया नहीं है, ये सारी जगह डस्टबिन पड़ा हुआ है। और ये मेरे लिफ्ट आ गई है, मैं जा रही हूँ। ये मेरा बेसमेंट है, यहाँ पे कोई कोई लोग साइकिल चला रहे हैं, सो गुड नो, इट्स हेल्दी। और गाइस, मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि कोरोना के टाइम पे दूध का क्या सिस्टम है, मतलब बिल्डिंग में कैसे दूध रख रहे हैं। ऐसी यहाँ पे भी एक किसी की साइकिल पड़ी हुई है, मेरे बिल्डिंग में काफ़ी हेल्दी लोग रहते हैं। गाइस देखिए, यहाँ पे दूध पड़ा हुआ है, कितने सारे यहाँ पे ना दूध में नंबर लिखे हुए हैं। ये कोरोना में अभी जो यही सिस्टम चल रहा है, क्योंकि दूध वाले ऊपर देने नहीं आते हैं। ये रहा मेरा दूध, मैंने ले लिया है। जियो में हम लोग की 4 थैली आती है। थोड़ा सा घाई हो रहा है मुझे, रेडी होते होते शूट करते करते 8:45 जितना हो गया है। और थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, मैं फटाफट जाऊंगी। गाइज, आपको पता है मेरी बिल्डिंग में भी ना कोरोना के 2-3 केस आए हुए थे। तो पहले तो हमारा बिल्डिंग सील हुआ था 15 दिन। तो फिर क्या होता था ना, मैं मेरे दोस्तों से मंगाया करती थी कि भाई कुछ हमको सामान बाहर से दे दो। हमारे मेरे मामा देखे जाते थे, क्योंकि वो कांदिवली में रहते हैं और वहाँ का थोड़ा सा अच्छा था। तो ठीक, 2-5 मिनट गार्डन में वॉक कर लेती हूँ, क्योंकि ना एनवायरमेंट बहुत ही मस्त है। ये मेरा गार्डन है, वाव, ये एक पिजन जा रहा है, इतना प्यारा लग रहा है। और ये देखिए दूसरी विंग्स है ये, और मैं आ गई पोडियम में। यहाँ पे फूल भी बहुत ही बढ़िया ग्रो हुए हैं, आप देख सकते हो। और मैं नेचर लवर हूँ एक, मुझे बहुत पसंद है ये सब, मुझे टहलना, इधर उधर घूमना, ट्रैवल करना बहुत अच्छा लगता है। ये देखो शू फ्लावर भी आया हुआ है, वहाँ पे एक सामने रोज भी है, यहाँ पे वाइट फ्लावर्स भी है, आई डोंट नो ये कौन सा है, ये मोगरा तो नहीं है। और ये गार्डन फ्लोर है, जहाँ पे गार्डन फ्लैट से जहाँ पे लोग रहते भी हैं। हमें तो, मुझे बहुत अच्छा लगता है रहने, बट अनलकी मी। और ये क्रिकेट पिच है मेरे बिल्डिंग की, आप देख सकते हो गाइस। ठीक है, तो मैं 5-10 मिनट वॉक करके
जब मार्केट जाऊंगी तब आप लोग से बातें करूंगी कि कोरोना में भी क्या हाल हो रहा है हमारे बिल्डिंग में। भी मुझे भी ना फटाफट जाना है घर, दूध रख के आती हूँ मैं और फटाफट मार्केट के लिए निकलती हूँ। और हाँ, और क्या बाकी है? हाँ गाइस, मुझे ना मेरा विटामिन सी भी पीना बाकी है, मैं वो भी फटाफट पी लेती हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ मैं कौन सा पी रही हूँ सुबह सुबह। एम्प्टी स्टमक पीना चाहिए क्योंकि मैंने अभी तक कुछ भी नहीं खाया है। पानी का मग जो है वो रेडी किया है और ये स्काई फिश करके है जो विटामिन सी का एफोफेसिन टैबलेट है वो अभी मैं पीती हूँ उसमें डाल के, क्योंकि जस्ट नॉट ओनली इन कोरोना वायरस बट नॉर्मल डेज में भी विटामिन सी पीना बना बहुत ज़रूरी है। इसको मैं पानी में डालती हूँ, एफोफेसिन है ये, इसको डाल दिया और अभी मैं फटाफट इसको घुमा के पी लेती हूँ। विटामिन सी मेक्स माई डे। चलो गाइज मैं फटाफट निकल रही हूँ नीचे, नीचे मिलती हूँ आपको, बातें करती हूँ आप लोगों के साथ। गाइज मैं फाइनली रेडी हो गई हूँ, मैंने जैकेट भी पहन लिया है और थोड़ा ठीक कर लेती हूँ। गाइज आपको मैं दिखाती हूँ कि यहाँ पे अभी न्यूज़पेपर भी कैसे रखते हैं कोरोना वायरस की वजह से। आपको पता है गाइज मेरे बिल्डिंग में ना छोटे दूध मतलब 15 दिन या 8-10 दिन पहले ना केस आए हुए थे, 2-3 केस आए हुए थे बिल्डिंग में। तो उसके वजह से ये ना स्टार्टिंग वाला जो केस था ना तभी हमारा पूरा बिल्डिंग सील हो गया है, जैसे मैंने आपको पहले बताया जब मैं दूध लेने आ रही थी। तो गाइस उसके बाद ना और 2 केस आए मेरे ही विंग में थे, कुछ 7th या 8th फ्लोर पे, पता नहीं मुझे याद नहीं है। तो उसके बाद ना क्या हो गया कि हमारा जो MPMC का 25 मई से रूल चेंज हो गया था कि हमको पूरे बिल्डिंग को सील नहीं करना है, सिर्फ उसके फ्लोर को क्वारंटीन करना है। तो इसके वजह से मुझे थोड़ा सा राहत रहा था ना, तो वो 15 दिन जो थे जिसमें हम पूरा क्वारंटीन हो गए थे बहुत ही गंदे हाल हो गए थे हमारे। तो उसके बाद सिर्फ फ्लोर सील हो रहा था, तो उसमें जो फ्लोर पे रह रहे थे ना तो वो लोग का भी ये सिस्टम था कि फ्लोर वाइज वो लोग टेबल पे सब चीज़ रख देते थे, क्या क्या लेना है क्या देना है, वॉचमैन लोग जाकर बेचारे रख देते थे, उसके बाद वो लोग कलेक्ट कर लेते थे। तो गाइस उसके बाद भी ना हमारे बिल्डिंग में पुलिस भी बैठा करती थी कि कोई ज़्यादातर बाहर तो नहीं जा रहा, मतलब वी हैव टू रजिस्टर कि हम कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे। और मैं गाइस अभी फटाफट थोड़ी जल्दी में हूँ, मैं आपको सबसे पहले न्यूज़पेपर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बिल्डिंग में कैसे हो रहा है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए इधर ना सारे न्यूज़पेपर पड़े हुए रहते हैं और यहाँ पे फ्लैट नंबर भी लिखे हुए हैं ताकि जिस जिसका भी है, ये जैसे ये मेरा है तो ये मैं लेके चली जाऊँगी जब मैं ऊपर आऊँगी। तो गाइस अभी मैं जा रही हूँ मार्केट, सुबह सुबह का माहौल अच्छा है, देखो कचरे वाला भी जा रहा है। मुझे बारिश बहुत पसंद है बट मैं अभी गीली नहीं हो सकती हूँ क्योंकि मुझे मार्केट जाना है, थोड़ा थोड़ा गीला हो जाती हूँ। लोगों को लग रहा था क्या कि अरे बारिश आ गई कोरोना का ये हो जाएगा कोरोना का हो जाएगा, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं और कोरोना दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, इतना बढ़ता जा रहा है कि मैं क्या बोलूँ। ये देखिए सब्जी वाले ने मास्क पहना है, मेरा मास्क अभी गाड़ी में पड़ा हुआ है। सस्ता है हाँ। अच्छा बराबर क्या क्या संभाल लेते हो आप? सब कुछ है, नारियल है, केला है, बैंगन, टमाटर, लहसुन, कांदा वगैरह सब कुछ है। अच्छा अच्छा ग्लव्स भी पहनते हो क्या? पहनिए पहनिए, अच्छी बात है भैया। देखिए गाइस कितना आजकल कोरोना की वजह से लोग महामारी में फंस गए हैं पूरा। भैया मुझे पालक है, पालक गाइस मुझे पालक नहीं मिल रहा है मेरा जूस बनाने के लिए। वैसे तो सब्जी लेने आई थी पर सब्जी थोड़ी थोड़ी मिली है जो मैंने बैग में डाल दी है ना तो गीला हो जाएगा, पर गाइस अभी जो मजा आ रहा है मुझे और अभी घर जाके मैं शायद गर्मा गर्म चाय पीऊंगी। गाइस आप भी ऐसे निकलिए बाहर दोस्तों के साथ घूमिए, बारिश में सब्जी के नाम पे ही से घूमिए। गाइस आपको पता है कितनी तेज बारिश हो रही है, अभी तो मेरे फ्रेंड्स कह रहे थे बाजू में से सब तोड़ दे लो के गिर गई है, मैं पूरी गीली हो गई हूं। अभी मुझे पता नहीं है।
बारिश हो रही है, छुट्टी पूरी पूरी मिली है मुझे, और आई होप आप सब भी अपने घर में सेफ हो, और अपना ध्यान रखना, मास्क पहनना जरूरी है बहुत ज़्यादा। तो भाई गाइस, मैं बाहर से आई, बारिश था और अभी मैं फ्रेश हो गई हूँ। गाइस आपको पता है मेरे घर में क्या बना है, कि बहुत बारिश है, मेरे घर में आज कुछ टेस्टी बना है, आइए मैं दिखाती हूँ आपको। तो गाइस आज बारिश के मौसम में ये छोले भटूरे बनाए हैं, उसके साथ चेरी भी खाएंगे हम, और ये सैलेड। सो गाइज, मैंने अभी खाना खा लिया है और अभी थोड़ा सा सुस्त जैसा लग रहा है मुझे, मतलब बहुत नींद आ रही है, तो थोड़ा सा मैं सो जाती हूँ गाइज। और नेक्स्ट मिलेंगे मेरे दूसरे ब्लॉग में, देखते रहिएगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। तब तक खुश रहिए, मॉनसून को एंजॉय कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।